जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत आ रहा है जो कि 28 तारीख को पड़ने जा रहा है। ऐसे में अगर महिला को पीरियड आ जाए, मासिक धर्म से वह गुजर रही हो, तो व्रत को कैसे करें। हाँ, हर एक महिला की प्रत्येक महीने की आने वाली यह समस्या है, परंतु एक महिला के ऊपर सामाजिक, धार्मिक और परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक परिवार की धुरी के रूप में एक महिला को देखा जाता है। महिला को ही अधिकतर व्रत, त्योहार इत्यादि संपन्न करने रहते हैं। अगर महिला ही पीरियड से हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में हर एक कार्य के लिए सभी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वैसे ही महिला के लिए जो पीरियड में है वह व्रत कैसे करे, पूजा कैसे करे, इसके लिए नियम बताए गए हैं। मैंने शास्त्र प्रमाण के साथ इससे पहले एक वीडियो आपको दिया है कि पीरियड के कितने दिनों बाद व्रत करना चाहिए। जैसे कि अहोई अष्टमी का व्रत जो है वह संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत अगर एक बार शुरू कर लिया जाए तो इस व्रत को कभी भी किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में अगर पीरियड आ जाए तो मन बेहद शंकित हो उठता है, दुखी हो उठता है कि आखिर इस व्रत को कैसे करें। सबसे पहले किसी भी व्रत में पीरियड इत्यादि हो या कोई भी समस्या हो, अहोई अष्टमी, करवा चौथ इत्यादि का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो यह खंडित माने जाते हैं। आपको अब सवाल आता है कि व्रत करना चाहिए कि नहीं। व्रत तो आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब मन में सवाल आता है कि कैसे इस व्रत को करें। इस व्रत को आपने जिस विधि विधान से किया है, प्रत्येक महिला हरेक व्रत करने से पहले संकल्प लेती है कि हे माता रानी, मैं इस विधि विधान से आपका यह व्रत करूंगा। हालांकि यह निर्जला होता है, परंतु कुछ महिलाएं इस व्रत को जल इत्यादि ग्रहण करके भी करती हैं। शरीर की परिस्थिति सबकी अलग होती है। कई लोगों को दवाइयाँ इत्यादि लेनी पड़ती है या ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्याएं से गुजरती हैं, तो वह महिलाएं पानी पीकर भी, जल ग्रहण कर भी इस व्रत को करती हैं। ऐसे में पीरियड वगैरह में आप हैं तो हमेशा पीरियड के 5वें दिन से पूजन करना चाहिए। तो अगर आपको प्रथम दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरा दिन हो, आपको व्रत तो करना ही है। ऐसे में आप जिन नियमों से, जिस नियम से आपने संकल्प ले रखा है जब शुरू दिन आपने शुरू किया होगा कि इस तरह से मैं व्रत करूंगी, तो सेम वही तरह से आपको इस व्रत को पूर्ण रूप से करना है। मानसिक रूप से आप पीरियड से नहीं हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से हैं। मन आपका भगवान की भक्ति में है, यह मान लीजिए। आपको इस व्रत को जिस तरह से आप इससे पहले करते थे, समस्त उन्हीं नियमों से करना है, परंतु आपको किसी भी पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। आपकी जो पूजा होगी, आपका पुत्र, आपके पति, आपके घर पर देवरानी जेठानी है वह, या आपकी सास, आप उनसे कहकर अब पूरी पूजा विधि विधान से, जैसे आप करते थे, जिस तरह से आप दान निकालते थे, जिस तरह से आप अहोई माता का पूजा करते थे, जिस तरह से आप उनके नियमों का पालन करते थे, समस्त वही नियम आपको अन्य लोगों के हाथ से पूजा करानी है। जो नियम आप कर सकती हैं पीरियड में, जो कि किसी भी देवी देवता को छूना नहीं है, किसी भी धार्मिक किताब को नहीं छूना है, किसी भी भोग इत्यादि को नहीं छूना है, वह तो आपके जो जानकार हैं, जैसे पति, जैसे मैंने बताया, ये लोग करेंगे। और अन्य नियम आपको करने हैं, विधि पूर्वक नहा धोकर आपको साफ स्वच्छ रंग के वस्त्रों का चयन कर लेना है, और माता रानी को मन ही मन स्मरण करना है कि माता रानी, आज यह बात हुई है, इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो मेरी जो पूजा है, मेरा पुत्र या मेरे पति या मेरी सास या मेरी जेठानी संपन्न करेंगे, आप मेरी पूजा को अवश्य स्वीकार करें। इस तरह से माता रानी भी आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगी और आपके बच्चे की लंबी उम्र करेंगी। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। आपके नाम की पूजा कोई अन्य लोग करेंगे। कथा का श्रवण आप कर सकती हैं। दान इत्यादि जो निकालना होगा उसे आप अलग रख लीजिए, और जब आप पीरियड से फ्री हो जाएंगी तब दान की वस्तुएं दान को दे दीजिएगा। वीडियो यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।